हे गाइस वेलकम बैक टू श्वेता स्टाइल्स वाइफ्स सो आप लोग कैसे हैं आई होप आप काफ़ी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे डेफिनेटली सो uh, so, और इस विंटर सीजन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे जस्ट लाइक मी मुझे विंटर सीज़न काफ़ी ज़्यादा पसंद है डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद होगा yeah. uh, आज फिर से मैं लेकर आई हूँ प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो और uh, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ हो सकता है कि uh, उसका जो रिव्यू है वो आपके रिव्यू से मैच कर भी सकता है और नहीं भी क्योंकि आ, हर किसी का जो हेयर टाइप होता है ना वो अलग होता है किसी का ड्राई हेयर होता है किसी का ऑयली हेयर होता है किसी का बिल्कुल नॉर्मल हेयर होता है तो अकॉर्डिंग टू योर टाइप यू नो हर चीज आपको सूट करती है किसी को सूट करती है किसी को नहीं करती है ओके okay? आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको देने वाली हूं आ, वो है ये आ, वाओ का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड ये जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देती हूँ ये प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ मतलब मैं वाओ का कभी मैंने शैम्पू यूज नहीं किया है दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी और मैंने इसे ज़्यादा टाइम अभी यूज़ नहीं किया है आई थिंक फोर टू फाइव टाइम मैंने इसे यूज़ कर लिया है एंड उसके बाद ही uh, मैं आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो शेयर कर रही हूँ आप देख सकते हैं बॉटल भी आई थिंक uh, आपको शायद देख पा रहा हो तो यही बॉटल भी इतना ज़्यादा खाली हो गया है अभी और uh, ज़्यादा इसे मैंने यूज़ किया नहीं है क्यों यूज़ ज़्यादा नहीं किया इसके बाद वो मैं डेफ़िनेटली आपको इस डिटेल आगे डिटेल में बताने वाली हूँ सो वन बाय वन करके हम इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं Uh, तो सबसे पहले uh, मैं बता देती हूँ इसकी पैकेजिंग का इसका लेबल सो ये है वाव का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू uh, जिसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है और इसका जो uh, प्राइस है वो मुझे थ्री सेवेंटी सिक्स रुपीज़ का ये मुझे मिला है uh, इसकी नेट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ाइव हंड्रेड में मुझे मिला है एंड uh, uh, साथ ही यू कैन सी यू कैन सी दिस इज़ नो पैराबिंस सल्फेट एंड सिलिक्स एंड कलर कलर पैक्स सो इसमें ना पैराबिस फ्री है ये आ, जैसे कि इसमें बताया गया थोड़ा बहुत जैसे होता है ना कि पैराबिन्स फ्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रोडक्ट हाँ वो अच्छे होते हैं बट अगर हल्का फुल्का अगर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर पैराबिंस उसमें होता भी है जैसे इन्ग्रीडियंट्स हम देखते हैं तो सबसे लास्ट में ना आपको पैराबिस दिखा आ रहा है ना तो इसका मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसे यूज़ किया गया है इसके अंदर तो वो आपके बालों को कहीं डैमेज नहीं करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल ओके so this is good uh, and uh... इसका जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और इसमें जैसे बताया गया है कि इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे नेचुरल है एंड इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है वहाँ से ज़्यादा जाके डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वाओ का शैम्पू है ये क्लेम क्या करता है ओके okay, ये ये क्लेम करता है कि आपके बालों को हेल्प करता है स्ट्रेंथन देने में ठीक है साथ ही आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है एंड इसके साथ ही साथ ही आपके बालों में जो शाइन होती है उसको रिस्टोर करके रखता है आपके हेयर फॉल्स को ये काफी हद तक यू you नो know, कंट्रोल करता है अगर आपके बालों में डलनेस इन वीकनेस आ गई है तो उसको भी ये काफी हद तक यू uh, नो you know, uh, बैलेंस करने की कोशिश करता है सो uh, so, यानी अपने बालों को काफी ज्यादा शाइनी भी बनाता है सो so, ये जो प्रोडक्ट है वो ये सब चीज़ें क्लेम करता है बट एक्चुअल में जैसा इसमें बताया गया है वैसा ही ये प्रोडक्ट है मतलब मैंने ना यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारे वीडियोस uh, देखे हैं एंड अनियन इज़ द बेस्ट ब्रांड जब भी हम यू you नो know, अपने बालों के लिए बात करते हैं इनका फेस वॉश अनियन का शैम्पू अनियन ऑयल सो so, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको है ना ऑनलाइन एंड यूट्यूब पर भी इस, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे बट एक्जैक्टली exactly जैसा हम यू नो वीडियोज़ देखते हैं रिव्यू वैसा ही आता है यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली क्योंकि मैंने भी काफी सारे देखे थे और उसको देखने के इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ही थिक है, इतनी फ्रिजी है इसकी कंसिस्टेंसी कि जब भी आप इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे ना तो ड्यूरिंग अप्लाई आपके बालों में ना बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस सा आपके बालों में ये ला देगा एंड साथ ही जब आप हेयर वॉश प्रॉपर तरीके से कर लेंगे ना उसके बाद भी आपके बालों में प्रिजनस डलनेस आपको दिखेगी ऑन द स्पॉट मतलब ऐसा नहीं है कि पर ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्मल जब शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे बालों में काफ़ी ज़्यादा शाइन से आ जाता है बाल काफ़ी ज़्यादा हमारे सिल्की से हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज़ करके देखा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इसे वन टाइम ही यूज़ किया है मैंने इसे पाँच से पा, चार से पाँच बार मैंने इसे यूज़ करके देख लिया है सो so, हो सकता है कि जो मेरा रिव्यू है वो मे uh, बी किसी और के रिव्यू से मैच नहीं uh, हो सके क्योंकि क्या होता है ना आपके बालों को ये जो प्रोडक्ट है वो सूट कर गया है, है ना इट्स गुड बट मेरे बालों को ये बिल्कुल सूट नहीं कराए है इसे यूज़ करने के बाद ना आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा फ्रिजीनेस डलनेस आपके बालों में आपको दिखेगी सच बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ही आ, मैं इस शैम्पू को लेकर डिसअपॉइंट हुई हूँ मतलब मेरा जो रिव्यू है इसको लेकर बिल्कुल ये वाला है ओके <laughs> बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा है ये आई रियली डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट एंड डेफ़िनेटली मैं इसे इन फ्यूचर बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट में यूज़ किए गए जो इन्ग्रीडियंट्स है उनके बारे में तो जो मेन जो मैं इन्ग्रीडियंट्स की आपको बात करूँगी वो है अनियन और फर्स्ट ऑफ ऑल अनियन जो कि ये खुद भी एक शैम्पू है अनियन सो अनियन जो है वो आपके बालों को आपके बालों में ना ब्रेकेजेस को रोकता है काफ़ी हद तक एंड आपके बालों में ना जो स्ट्रेंथन लेकर आता है मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में भी लोग हैं ना मतलब जो अनियन के अनियन का जो जूस हुआ करता था उसे अपने हेयर्स में करते थे इवन अब भी काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं मैंने भी यूट्यूब पर काफी ज्यादा देखा है एंड मैंने उन्हें अप्लाई भी किया है और रिजल्ट बेस्ट है आई मीन ठीक है इसके अलावा जो इसमें प्रो वाइटामिन बी फाइव भी इसमें एड है जो प्रो वाइटामिन बी है वो आपकी जो बाल है उनके रूट्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है आ, मतलब आपकी जो बूस्ट देता है आपके बालों में एंड जो आ, जैसे हाइड्रेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाता है जो इसमें ब्लैक सीड्स ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आई I मीन mean, जो ब्लैक सीड्स काम क्या करता है ये आपकी जो स्केल्प है उसको ना आपकी जो स्केल्प है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है अलह उनको फॉल uh, होने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है कंट्रोल करता है सो so, ये सारे काफ़ी मोस्ट ऑफ वाटर बेस्ड इसमें इन्ग्रीडियंट्स है सारे सो मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचुरल इसमें बताई गई है बट uh, यार देखिए बताने में तो बहुत कुछ इसमें बताया गया है लेकिन इन माई केस ये मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आया है क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके बालों को डिहाइड्रेट कर देता है सेकंड ये आपके बालों में फ्रिजीनेस इतनी ज़्यादा लेकर आ जाता है एंड जो थर्ड है बालों को है ना ऑन द स्पॉट ही ना डैमेजेस वाला फील आ जाता है जैसे भी आप अपने बालों को अगर आप यू you नो know, हम जब शैम्पू यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप अपने बालों को जब टच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ टेक्स्चर आपके बालों को देखने को मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है सो so, यही था मेरा आज का जो प्रोडक्ट का रिव्यू और मोस्ट ऑफ इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने ऑनेस्टली आपको बताई है पर्सनली इसे यूज़ करके ही बताया है एंड अगर आपको मेरा ये वाला जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहा है हेल्पफुल आपके लिए रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बाय